अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप प्ले स्टोर से बग़ैर वायरस की कोई एप्लीकेशन या जो भी सॉफ्टवेयर हो या गेम हो वो डाउनलोड कर सकते हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि प्ले स्टोर में सिर्फ वही सॉफ्टवेयर अवेलेबल हुआ करते थे जो वायरस से फ्री होते थे, लेकिन अब इस तरह नहीं है। प्ले स्टोर में से बहुत से इस तरह सॉफ्टवेयर है जिसमें भी वायरस होते हैं। तो आज के स्टूडियो में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा किस तरह आप प्ले स्टोर से फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं जो कि वायरस से फ्री हो। इसके लिए फ्रेंड्स कुछ अलहदा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल प्ले स्टोर की सेटिंग में इस तरह है कि आप उससे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको पहले प्ले स्टोर पर जाना होता है कि आपको प्ले स्टोर ओपन करें। जब प्ले स्टोर ओपन हो जाए तो यहाँ पर कॉर्नर में एक थ्री लाइन एक बटन होता है कि आप उस पर यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ आ जाए प्ले प्रोटेक्ट में आपके पास ये नीचे दो ऑप्शन आएंगे। एक है स्कैन डिवाइस फॉर सिक्योरिटी थ्रेट्स और दूसरा है इम्प्रूव हार्मफुल एप्लीकेशन डिटेक्शन। ये दोनों ऑप्शन आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप बैक चले जाएँ। इसके बाद आप जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपके ऐप स्टोर जो है वो स्कैन करेगी और आपको फ्री ऑफ वायरस जो एप्लीकेशन है, गेम्स है, जो भी है वो आपको अवेलेबल होगी इस पर। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वायरस से या इस तरह कुछ और सॉफ्टवेयर से, या आप ये देखना चाहते हैं कि किस तरह अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें या यहाँ से बचाए कि वो किस तरह की गेम्स या किस तरह की सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है कि उसके लिए आपको यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर आप बिल्कुल नीचे आ जाए सेटिंग्स पे। जब आप सेटिंग पे आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा पेरेंटल कंट्रोल्स का। पेरेंटल कंट्रोल पर आप क्लिक कर लें और यहाँ पर आप ये ऑप्शन ऑन कर लें। इसके बाद ये आपसे आपका एक पिन मांगेंगे कि पिन उसके लिए आपको क्रिएट करना होगा कि, तो इसके लिए मैं पिन क्रिएट करता हूँ। अपने ही पिन को कंफर्म कर लें। ये पिन कंफर्म हो गया। अब इसमें से दूसरा निचला जो ऑप्शन है कि एप्स एंड गेम्स, तो आप इस पर क्लिक कर लें। ये इसमें ऑप्शन है रेटेड फॉर 3+। 3+ मीन कि अगर आप सिर्फ इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे रेटेड फॉर 3+, तो 3+ या 7 की नहीं, 7+ के अगर आपका बेटा नीचे 6 साल का है या 3 साल का है तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगी। इस तरह अगर आप 7+ पे टिक करोगे इट मीन कि अगर आपका बेटा 7 साल का है तो उसके लिए अवेलेबल है। इस तरह सब ऑप्शन अवेलेबल है इसमें 18+ तक। अगर इसमें से आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, सेव कर लें, इसके बाद आप बैक चले जाएं। जब आप बैक चले जाएंगे तो इसमें से आपको वही सॉफ्टवेयर सिर्फ मिलेंगी जो 18+ के लिए होगी या 3+ जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया होगा। इसके अलावा अगर कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर है जो 3+ से ज़्यादा हो और आपके बच्चे जो इसको डाउनलोड करना चाहें तो इसके लिए फिर पिन कोड रिक्वायर्ड होगा जो पिन के ज़रिए ही वो अवेलेबल होगा। तो इस तरह आप अपने ही मोबाइल को वायरस से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें कि ताकि हमारे जो भी नई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल लिया करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।